स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक है टेनिस विजेताओं के बारे में। जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं पुरुष और महिलाओं के, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हम यहाँ देखेंगे 2017 और 2018 की महिला तथा पुरुषों की विजेता सूची, ठीक है। जहाँ ये ओपन है ये चार तरह से खेले जाते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है, जो कि जनवरी में खेला जाता है, ठीक है। और ये मेलबर्न शहर में होता है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, ठीक है। बात करें दूसरा फ्रेंच ओपन, ये पेरिस में खेला जाता है और ये क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। और ये अप्रैल मई जून में होता है, ठीक है। बात करते हैं विंबलडन, विंबलडन जो है वो लंदन में खेला जाता है और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। और ये जून और जुलाई में किसी भी एक महीने में होता है, ठीक है। बात करते हैं यूएस ओपन, यूएस ओपन जो है वो भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड मैदान पर खेला जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में होता है और यह अगस्त या सितंबर में से किसी एक माह में होता है। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ओपन कहाँ पर होता है, कौन से मैदान पर होता है, कौन से मंथ में होता है, तो मैंने पहले आपको बता दिए हैं। और किस सीक्वेंस में, तो ये भी मैंने आपको बता दी, पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, देन लास्ट में यूएस ओपन। चलो स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2000, पहले अपन बात करेंगे मेल के लिए, पुरुषों के लिए, उसके बाद बात करेंगे महिलाओं के लिए। तो पहले पुरुषों में 2017 किसने जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन, वो जीता था रोजर फेडरर ने। और 2018 का भी ऑस्ट्रेलिया ओपन रोजर फेडरर ने ही जीता था, ठीक है। दोनों रोजर फेडरर ने ही जीते थे। चलते हैं आगे। अगला है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है 2017 का राफेल नडाल ने जीता था और 2018 का भी राफेल नडाल ने ही जीता था, ठीक है। दोनों राफेल नडाल ने जीते थे फ्रेंच ओपन 2017 और 2018। सिमिलरली 2017-2018 में ऑस्ट्रेलिया ओपन रोजर फेडरर ने जीते थे और फ्रेंच ओपन 2017-2018 के राफेल नडाल ने जीते थे। चलते हैं आगे। अगला आता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो है 2017 का रोजर फेडरर ने जीता था वापस, ठीक है। और 2018 का किसने जीता है, 2018 का जीता है नोवाक जोकोविक ने, 2018 का जीता है, ठीक है। रोजर फेडरर ने 2017-18 के दोनों जीते हैं, ठीक है। और राफेल नडाल ने 2017 और 2018 के फ्रेंच ओपन जीते हैं। बात करें विंबलडन ने, विंबलडन में वापस रोजर फेडरर ने 2017 का जीता है और 2018 का नोवाक जोकोविक ने जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है यूएस ओपन। यूएस ओपन 2017 का राफेल नडाल ने जीता है और 2018 का नोवाक जोकोविक ने जीता है। मतलब ये हुआ कि 2018 के विंबलडन ओपन और यूएस ओपन दोनों नोवाक जोकोविक ने जीते हैं, ठीक है। और 2017 और 2018 के ऑस्ट्रेलिया ओपन दोनों रोजर फेडरर ने, और फ्रेंच ओपन 2017-2018 के राफेल नडाल ने। और वापस विंबलडन और यूएस में पहले वापस 2017 पे रोजर फेडरर और यूएस ओपन में 2017 पे राफेल नडाल, ठीक है। ये तो हो गया अपने पुरुषों के लिए। आगे चलते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2017 का जीता है सरेना विलियम्स ने और 2018 का जीता है कैरोलिन ने, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2017 जीता है सरेना विलियम्स ने और 2018 जीता है कैरोलिन ने, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2017 जीता है एलेना ओस्टोपिको ने और 2018 का जीता है सिमोना हालेप ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है विंबलडन। विंबलडन 2017 जीता है गर्बाइन मुगुरुजा ने और 2018 जीता है एंजेलिक केरबर ने, ठीक है। ये जो पुरुष और महिला को दोनों जो ओपन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रहा हूँ अभी, तो आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं क्योंकि हर एग्जाम में आपके इनसे क्वेश्चन मिले ही मिलेंगे। लास्ट है
यूएस ओपन, यूएस ओपन 2017 जीता है स्लोमन स्टीफंस ने और 2018 जीता है ओसाका ने। ठीक है, तो ये हो गए अपने ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। पुरुष और महिलाओं के दोनों जो विनर रहे हैं उनका नाम बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को जो वीडियोज़ है उनको सारों को चेक करें, सबको देखें, और अपने जो दोस्त हैं उनको साथ शेयर करें ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।